नमस्ते। आप कैसे हैं? अच्छे हैं सर। उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू हो गई? हाँ सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? हाँ सर, कोरोना संकट में हम मास्क समूह द्वारा अपने गांव में और अपने गांव और अपने किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करने वाला है उन सबके बांटे। कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं? साहब, हमारे गांव में हमारे समूह में 14 महिलाएं हैं। अब तक कितना मास्क बांटा होगा आपने लोगों को? कितने लोगों को मास्क पहुंचाया होगा आपने? लगभग हम अपने गांव से लेके, अच्छा, जिले से लेके ब्लॉक से 1000 मास्क बांटे हैं। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में गांव के लोगों में पहुंच गई है क्या? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से मिली किए थे ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। नहीं, क्या लगता है सब गांव वालों को क्या लगता है, ये पानी की व्यवस्था होगी तो क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? हमारे गांव में पानी का सुविधा ताकि घर घर पानी मिले, ताकि जौन दीदी भैया हमारे यहाँ नदी से और कुआं से कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी से। और पानी कैसा होता है? पानी शुद्ध होता है या ऐसा ही पानी? ना ही आपको साफ। अब जब साफ पानी मिलेगा तो लोग पानी बचाएंगे कि पानी बर्बाद करेंगे, क्या लगता है आपको? पानी बचाएंगे। पक्का बचाएंगे? हाँ साहब। देखिए, पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, हमारा कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है, जैसे आपका बिंदे में पानी की दिक्कत है, जैसे बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत है, वहां रेगिस्तान में भी यही हाल था। तो हमने महिलाओं की कमिटियां बनाई और उन्हीं को काम दिया। इतना अच्छा काम किया बहनों ने, वो सारी चीजों को संभालना, लोगों से टैक्स वसूल करना, कभी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग करना, सब काम बहनें करती थी। उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जूथ है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए पानी कैसे बचाना, तो करेंगे आप लोग? हाँ। पक्का करेंगे? पक्का करेंगे साहब। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठिए फूलपति जी।
योगी जी, मुझे लगता है कि काफी बच्चे, बहुत आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे, अब हम ये बातचीत का कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करके कुछ विषय मैं बता दूं ताकि समय लोगों का बर्बाद ना हो। देखिए, जीवन की एक बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो एक अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास आप सभी के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बनाया गया, टेक्नोलॉजी के कारण हर किसी से मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको देख पा रहा था। जिस प्रकार से आप, जैसे घर में बहुत बड़ा उत्सव हो और जिस प्रकार से कपड़े पहन करते हैं, घर में साज सजा, वो सब मुझे दिख रहा था। मतलब कि कितना उत्साह और उमंग भरा पड़ा है आपके अंदर, वो मैं यहां से देख रहा था। ये उत्साह, ये उमंग, ये अपने आप में ही इस योजना का मूल्य कितना बड़ा है। पानी के प्रति आप लोगों की संवेदनशीलता कितनी है। परिवार में जैसे शादी ब्याह हो ऐसा माहौल आपने बना दिया है। इसका मतलब हुआ कि सरकार आपकी समस्याओं को भी समझती है, समस्याओं के समाधान में सही दिशा में आगे भी बढ़ रही है। और जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है तो बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। मां विद्यावासिनी की हम सभी पर विशेष कृपा है कि आज इस क्षेत्र के लाखों परिवारों के लिए इस बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस आयोजन में हमारे साथ जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सोनभद्र में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई महेंद्र सिंह जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, विंध्य क्षेत्र के सभी बहनों और वहां पर उपस्थित सभी भाइयों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विंध्य पर्वत का ये पूरा विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास का, पवित्रता का, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कई लोग जानते हैं रहीमदास जी ने क्या कहा था। रहीमदास जी ने भी कहा, जा पर विपदा परत है, जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। भाई और बहनों, रहीमदास जी के इस विश्वास का कारण इस क्षेत्र के अपार संसाधन थे, यहां मौजूद अपार संभावनाएं थी। विंध्यांचल से शिप्रा, वेणगंगा, सोन, महानद, नर्मदा, कितनी ही नदियों की धारा वहां से निकलती है। मां गंगा
बेलन और कर्मनाशा नदियों का भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक अगर उपेक्षा का शिकार भी अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो यही क्षेत्र सबसे अधिक हुआ है। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। इस वजह से अनेकों लोगों को यहां से पलायन करने पर भी मजबूर होना पड़ा। साथियों, बीते वर्षों में विंध्याचल की इस सबसे बड़े परेशानी को दूर करने एक निरंतर काम किया गया है। यहां घर घर जल पहुंचाने और सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण इसी प्रयास का एक बहुत अहम हिस्सा है। पिछले साल बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी बहुत बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया गया था, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। आज 5,500 करोड़ रुपए की विंध्य जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी हुआ है। इस परियोजना के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के लाखों साथियों को और विशेष तौर पर माताओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत बधाई का ये अवसर है। और आज जब मैं इस क्षेत्र के लोगों से बात करता हूं तो स्वाभाविक है कि इस अवसर पर मैं मेरे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद कर रहा हूं। वो इस इलाके की पानी की समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इन योजनाओं को शुरू होते देख आज सोनेलाल जी की आत्मा जहां भी होगी उनको बहुत संतोष होता होगा और वे भी हम सब पर आशीर्वाद बरसाते होंगे। भाइयों और बहनों, आने वाले समय में जब यहां के 3,000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है, बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों का ध्यान रखा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना
उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब करीब करीब एक साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2,60,00,000 से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें लाखों परिवार हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं। हम अपने गांव में रहने वाले गांववासी हमारे भाइयों बहनों के लिए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां कहा जाता है, एक पंथ दो काज। लेकिन आज जो योजनाएं बनाई जा रही है, वहां तो एक पंथ अनेक काज, उनसे अनेक लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। यही नहीं, इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। पशुओं को साफ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहें और किसान को, पशुपालक को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में तो योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई है, उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। मासूम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं मानता हूं हर उत्तर प्रदेशवासी इतने आशीर्वाद देता होगा, इतना आशीर्वाद देता होगा शायद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब विंध्याचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। इतना ही नहीं, जब शुद्ध पानी मिलता है तो कुपोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, पोषण के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसके भी अच्छे फल उसके कारण मिल सकते हैं। साथियों, जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तरह स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। सरकार एक साथी की तरह, एक सहायक की तरह आपकी विकास यात्रा में एक भागीदार की तरह आपके साथ है। जल जीवन मिशन ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं उसमें भी यही सोच प्रदर्शित होती है। किस क्षेत्र में कैसा घर हो, किस सामान से घर बने, पहले की तरह ये अब दिल्ली में बैठकर तय नहीं होता है। अगर किसी आदिवासी गांव में विशेष परंपरा के घर बनते हैं तो वैसे ही घर बने, दिल्ली वाले सोचते हैं वैसे नहीं, वहां का आदिवासी जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, जैसी उसकी रहन सहन है वैसा घर बने, ये सुविधा दी गई है। भाइयों और बहनों, जब अपने गांव के विकास के लिए खुद फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलती है, उन फैसलों पर काम होता है, तो उससे गांव के हर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को उसके कारण बहुत बड़ा बल मिलता है। इससे लोकल स्तर पर पैदा होने वाले सामान की खपत ज्यादा होती है। लोकल स्तर पर ही जो कुशल लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। राजमिस्त्री हो, फीटर हो, प्लंबर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ऐसे अनेक साथियों को गांव में या तो गांव के पास ही रोजगार के साधन बनते हैं। साथियों, हमारे गांवों को, गांव में रहने वाले गरीबों को, आदिवासियों को जितनी प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी उतनी पहले नहीं दी गई। गरीब से गरीब को एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना से गांव में जंगल से सटे क्षेत्रों को डबल लाभ हुआ है, दोहरा लाभ हुआ है। एक लाभ तो हमारी बहनों को धुएं से लकड़ी की तलाश में लगने वाले समय और श्रम से मुक्ति मिली। यहां इतनी बड़ी मात्रा में जब माताएं बहनें बैठी हैं, पहले जब हम लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, खाना पकाते थे, तो हमारी माताओं बहनों के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं जाता था। घर में बच्चे रोते थे, मां खाना पकाती थी, 400 सिगरेट जितना धुआं इन माताओं बहनों के शरीर में जाता था। क्या होगा उनके हाल का, उनके शरीर का क्या हाल होता होगा। उसको मुक्ति दिलाने का एक बड़ा अभियान हमने चलाया और घर घर गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, ताकि मेरी इन गरीब माताओं बहनों को उन 400 सिगरेट जितना धुआं अपने शरीर में न लेना पड़े, ये काम करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ ईंधन के लिए जंगलों के कटान की मजबूरी भी इससे खत्म हुई है। देश के बाकी गांवों की तरह यहां भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। आज ये क्षेत्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बनते जा रहा है।
भारत का अहम केंद्र है। मिर्जापुर का सौर ऊर्जा प्लांट यहां विकास का नया अध्याय लिख रहा है। इसी तरह सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के अभाव में विंध्याचल जैसे देश के अनेक क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए, लेकिन इस क्षेत्र में बरसों से लटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंजर जमीन पर किसान सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके अतिरिक्त कमाई कर सके, इसके लिए भी मदद की जा रही है। हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता बने, वो अन्न पैदा करता है, लोगों को का पेट भरता है। अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ ऊर्जा भी पैदा कर सकता है और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है। हम विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या फिर इस इलाके में सड़कों का निर्माण। सभी पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। बिजली की स्थिति पहले क्या थी और अब कितनी बेहतर है, ये आप भी भली भांति जानते हैं। भाई और बहनों, गांव में विश्वास और विकास की कमी में एक और बड़ी समस्या रही है, घर और जमीन से जुड़े विवाद। इस समस्या को उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में रहने वालों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। कारण ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के बाद उसके बाद भी गांव की जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। अगर उनका घर है तो उस घर के संबंध में भी कितना है, लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या उसके साइज है, कागज कहाँ है, कुछ नहीं था। दशकों से लोग ऐसे ही जीते रहे, समस्या को झेलते रहे, विवाद बढ़ते गए और कभी कभी तो मारधाड़ हो जाती है, गला काटने तक पहुंच जाता है मामला, भाई भाई के बीच झगड़ा हो जाता है। एक फुट जमीन के लिए एक पड़ोसी के साथ दूसरा पड़ोसी का लड़ाई हो जाती है। अब इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए स्वामित्व योजना के तहत यूपी में ड्रोन टेक्नोलॉजी से घर और जमीन के नक्शे बनाए जा रहे हैं। इन नक्शों के आधार पर घर और जमीन के कानूनी दस्तावेज घर और जमीन के मालिक को सौंपे जा रहे हैं। इससे गांव में रहने वाले गरीब, आदिवासी, वंचित साथी भी कब्जे की आशंका से निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वरना मुझे तो मालूम है गुजरात में तो आपके क्षेत्र के बहुत लोग काम करते हैं, तो कभी उनसे मैं बात करता था कि भाई क्यों चले गए थे, तो कहे नहीं नहीं भाई, हमारा तो वहां जमीन का झगड़ा हो गया, हमारे घर का किसी ने कब्जा कर लिया, मैं यहां काम करता था, कोई घर में घुस गया। अब ये कागज मिलने के बाद ये सारे संकटों से आप मुक्त हो जाएंगे। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर गांव के अपने घर के जो दस्तावेज हैं, जो कागज है, उससे अगर आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ी, तो अब आप उसके हकदार बन जाएंगे। आप जा सकते हैं, कागज दिखा करके बैंक से लोन ले सकते हैं। साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र देश के हर हिस्से, हर नागरिक के विश्वास का मंत्र बन चुका है। आज देश के हर जन, हर क्षेत्र को लग रहा है कि उस तक
सरकार पहुंच रही है और वो भी देश के विकास में भागीदार है। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में भी आज ये आत्मविश्वास में भली भांति, उसमें एक नई ताकत आई है और मैं इसको देख पा रहा हूं। आदिवासी अंचलों में मूल सुविधाएं तो आज पहुंच ही रही है, बल्कि इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं के तहत भी काम किया जा रहा है। जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए देश में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें से अनेक स्कूल यूपी में भी खुल रहे हैं। कोशिश ये है कि हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक तक इस व्यवस्था को पहुंचाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। वन उपजों की ज्यादा कीमत आदिवासी साथियों को मिले, इसके लिए 1250 वन धन केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। इनके माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार भी किया गया है। यही नहीं, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वनोपज आधारित उद्योग भी आदिवासी क्षेत्रों में लगे, इसके लिए भी जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कमी ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। सोच ये है कि आदिवासी क्षेत्रों से निकलने वाली संपदा का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में लगे। उत्तर प्रदेश में भी इस फंड में अब तक लगभग 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं। इसके तहत 6500 से ज्यादा प्रोजेक्ट स्वीकृत भी किए जा चुके हैं और सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, ऐसे ही काम आज भारत के आत्मविश्वास को प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के दम पर आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सभी जुटे हैं। मुझे विश्वास है कि विंध्य जलापूर्ति योजना से ये आत्मविश्वास और मजबूत होगा। हां, इस बीच आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं है। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं, लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।